नमस्कार दोस्तों, ये जीव विज्ञान से संबंधित सारांश है जो परीक्षण उपयोगी है। इसे शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहला पॉइंट्स, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ एवं ऊर्जा से। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? 27 तत्व। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व औसतन किस प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% एवं नाइट्रोजन 3.3%। लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? 1.5% कैल्शियम एवं 1% फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में भूमिका निभाते हैं। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं क्लोरीन। सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक दो प्रकार के यौगिक से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट का सजीव के निर्माण में औसत प्रतिशत क्या है? प्रोटीन्स का 14% होता है जो कि दान, वसा का 3% और कार्बोहाइड्रेट्स का 1%। सजीव में अकार्बनिक यौगिक अर्थात जल और लवण, अम्ल एवं क्षार का निर्माण अंशतः अंश में औसत योगदान कितना होता है? 80% और 1%। स्टेनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से एमिनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत की उपस्थिति में। सजीव की कार्बनिक पदार्थों से में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन्स की 14%। किस विज्ञानी को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक कहा जाता है? अरस्तु को। इनका काल 384 से 322 BC है। जीवाश्मिकी की जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? लियोनार्डो डी विंची को। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होते हैं? ATP के रूप में। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? जुगलिना एवं क्लोमोनस। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। वर्गीकी का पिता केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया? 6। वर्गीकरण की सबसे छोटी छोटी इकाई जाति है। वायरस की खोज किसने किया था? रूसी वनस्पति शास्त्री इवनोविस्की ने 1892 में। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं कहलाते हैं वायरसुआइड। इसका एग्जाम्पल इंटरफेरॉन। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? इंटरफेरॉन। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? WM स्टेनले को। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज। फिरोन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन्स के। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता केरोलस लिनियस। सॉरी, विषाणु जनित रोग, पौधों के रोग, फसल का नाम, रोग का नाम। चुकंदर, ऐंठा हुआ सी रो भाग, भिंडी पीली नाड़ी मोज़ेक, गन्ना
तृण समान प्रो, पपीता मोजेक, केला मोजेक, तिल फिलो फिलो डी, सरसों मोजेक, बादाम रेखा पैटर्न, नींबू नाड़ी उत्तक क्षयन, टमाटर पत्ती ऐंठन। पशुओं में होने वाले वायरस जनित रोग, पशु वायरस रोग, गाय वेरियोला वैक्सीनिया चेचक नामक रोग, भैंस फॉक्स विरिडो ऑर्थोपॉक्स चेचक रोग, चौपाया रेंडो विरिडो कोएसु किलो वायरस रोग नाम ज्वार, गाय ब्लूटंग वायरस ब्लूटंग नामक रोग, गाय हर्पिज वायरस है हर्पुज रोग, गाय एवं भैंस संयुक्त पैरा मैक्सिको वेरी डी मोर बिली वायरस रोग, रेंडर पेस्ट गाय एवं भैंस पिकोर पिकोर न विरेडी एफ्तो वायरस रोग, मुहपक्का एवं खुरपक्का, चौपाया कुत्ता वायरस स्ट्रीट रोग, रेबीज। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, शाखा जनक जीव विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान बॉटनी थियोफ्रेटस, जीवाश्मिकी लियोनार्डो डी विंसी, सृजनिकी फ्रांसिसी गाल्टन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लिनियस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेन, अनुवांशिकी ग्रेग जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी टी एच मॉर्गन, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी रोबर्ट हुक, जूलॉजी जंतु विज्ञान अरस्तु, टैक्सोनॉमी वर्गीकी कैरोलस लिनियस, हिस्टोलॉजी ओतकी मार्सिलो वेल्पिजी। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन के जनक, म्यूटेशन थ्योरी होगो डिब्रिज, तुलनात्मक सारणिकी कंपरेटिव एटोनॉमी जी क्यू वियर, कवक विज्ञान माइकोलॉजी माइकली, पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी हेस्टिपन हेल्स, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी लुवेन हॉग, सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर, भारतीय कवक विज्ञान ईजे बुटलर, भारतीय बायोलॉजी एस आर कश्यप, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा, भारतीय शैवाल विज्ञान एम ओ अयंगर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वान वेयर, वनस्पति भारतीय वनस्पति विज्ञान विलियम रॉक्सबर्ग, भारतीय जीवाश्म वनस्पति बिरबल। मनुष्यों में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, चेचक विषाणु नाम वेरियोला वायरस, हर्पिज रोग विषाणु नाम हर्पिज वायरस, रेबीज रोग विषाणु नाम रेबोड वायरस, पोलियो मेलाइटिस रोग विषाणु नाम एंटी रो वायरस, एड्स रोग विषाणु नाम एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा फ्लू रोग आर्थोमिक्सो वायरस, वायरल इन्फ्लुएंटिस रोग अरिबो वायरस, डेंगू फीवर रोग वायरस आरबो वायरस, सर्दी जुकाम रोग राइनो वायरस रोग, मम्पास रोग मम्प वायरस, मिजिल्स रोग पैरामिक्सो वायरस, चिकन पॉक्स रोग वेरीसेला वायरस। इविनोविस्की ने सर्वप्रथम 1892 में तंबाकू में मोजेक का कारण विषाणुओं को बताया। 1892 में गॉर्नरी और पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज की। 1901 ईस्वी में रीड ने पित्तज्वार नामक विषाणु की खोज की। 1908 में पॉपर नामक वैज्ञानिक ने पोलियो वायरस की खोज की। 1906 में सबिन ने पोलियो का टीकाकरण की खोज की। इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु की खोज स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1933 में की। मीजल्स विषाणु की खोज प्लाजा नामक वैज्ञानिक ने 1938 में की। विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज वाबडेन नामक वैज्ञानिक ने 1938 में की। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी थियोफ्रेटस
फादर ऑफ बॉटनी, माइकल माइकल फादर ऑफ माइकोलॉजी, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ काइटोलॉजी, स्टीफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, लुइस पाश्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज बिडल एवं एडवर्ड टेटम। होम्योस्टेसिस की खोज किसने की थी? क्लॉडी बनार्ड ने। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन्स का। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं। पोलियो की टीकाकरण की खोज किसने की थी? सबीना ने की थी 1906 में। फिलोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? तिल में। सुजननिकी की जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्टन को। पशुओं में रिंडरपेस्ट कैसे फैलता है? वायरस द्वारा। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज को। आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है एथनोबॉटनी में। विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। एस आर कश्यप बायोलॉजी भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक। एम ओ पी अयंगर पाइकोलॉजी भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता। के सी मेहता पादप रोग प्लांट डिजीज रस्ट कंट्रोल। पी पिराज पादप शरीर क्रिया विज्ञान के वैज्ञानिक। बीरबल सहानी पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता। आर मिश्रा परिस्थितिकी की। डॉक्टर बी पी पाल पादप प्रजनन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पादप अनुवांशिकी भारत में हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर एस सी महेश्वरी उत्तक संवर्धन। आर मिश्रा परिस्थितिकी विद। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस शरीर क्रिया वैज्ञानिक। कोशिका सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुल जाने के कारण। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेलुलोज पैक्टिन लिग्निन हेमी सेलुलोज काइटिन एवं क्यूटीन। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडा मेटा के द्वारा। प्लाज्मोडा मेटा पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्ट से। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव को जोड़ने वाली संरचना क्या संज्ञा है? प्लाज्मोडस मेटा। कोशिका भित्ति होती है परागम्य। जीवदर किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलों कोलाइडल घोल। कोलाइडल कणाकार कितना होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी परागम्यता पाई जाती है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीवदर्भ में। जीवदर्भ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स। माइक्रोन तथा मिलीमाइक्रोन से आप क्या समझते हैं? 10^-6 मीटर से 10^-6 mm। एक एंगस्ट्रम में कितने माइक्रोन के बराबर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। ऑक्सीकरण के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र फ्लोरीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीम या F1 कण में।
ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? CO2 एवं जल। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? अंतः परद्रव जलिका को। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ग्लाजिका है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है? ग्लाजिकाए को। ऑक्सीटोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नीलहरे शैवाल में। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम +2 आयन। पॉली राइबोसोम का निर्माण किस समय होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम। साइटोस्केलेटन की नलिकाएं के रूपांतरण में कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं? मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ आयन। माइक्रोसोम किसे कहते हैं? कोशिका का वह भाग जिसमें कुछ कलाएं और विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक जलिका के टूटे भाग और राइबोसोम होते हैं, माइक्रोसोम कहलाता है। कोशिका का विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? सेंट्रोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है लाइसोसोम के कारण। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? मुख्यतः एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अभिघित किया जाता है? लाइसोसोम को। हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अपितु लेमेल्ली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स का। क्वांटासोम कहाँ स्थित होता है? प्रत्येक थैलाकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम 2+ आयन। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रियाएँ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। अप्रकाशित क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? शिम्पर ने। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथोसायनिन। प्रकाश अवशोषण फोटोरिस्पिरेशन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं पेराऑक्सीसोम तीनों मिलकर। ग्लाइऑक्सीसोम का क्या कार्य है? वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सीलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला। डाइसेक्राइड जंतुओं में पाया जाता है लैक्टोज के रूप में। शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन होता है? फ्रक्टोज। पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? एंथोसायनिन। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं RN। एल्यूरॉन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? सभी अन्न के दानों में। वसा चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलय होते हैं? क्लोरोफॉर्म ईथर तथा एसीटोन जैसे कार्बनिक विलयकों में। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग 16% मात्रा होती है, 16% नाइट्रोजन 4% सल्फर। प्रोटीन में हींग क्या है? एक तरह का रेजिन। पेक्टिन है कार्बोहाइड्रेट। रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है?
डॉल्फिया सर्पेंटाइन के मनुष्य के किन कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा के बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र द्वारा। सेंट्रल रूम ऑफ सेल कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है? केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक में डीएनए का अंश लगभग 10%। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? क्रोमोजोम गुणसूत्र में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तथा फास्फोरिक अम्ल से। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को। असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकल इकाइयां एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है? फास्फो डाइस्टर बंध द्वारा। डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड्स का पेप्टाइड बंध किसके बीच पाया जाता है? एमिनो अम्ल के। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जेड नामक डीएनए की खोज किसने किया? नोर डीम तथा वेग ने 1984 में। डॉक्टर हरगोविंद खुरान के नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? अनुवांशिकी कोड के लिए। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? ट्रांसपोशन। राइबोसोम क्या है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। क्या आप जानते हैं चरगेफा का नियम क्या है? जाने। डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडिन बेस समान मात्रा में होते हैं। एडेनिन की आणविक मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। डी ऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फेट समान मात्रा में होते हैं। बेस अनुपात बेस रेशियो A+T = G+T प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और एक जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। यह अनुपात जातीय लक्षण है। कोशिका में कितने प्रकार के tRNA पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। किस आरएनए में एंटी कोडोन पाया जाता है? tRNA में। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट होली। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। यूरेसिल नामक पायरिडिन नाइट्रोजन बेस किसमें पाया जाता है? आरएनए में। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए में शर्करा डी ऑक्सी राइबोज होती है जबकि आरएनए में राइबोज होती है। डीएनए में बेस एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन होता है जबकि आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरेसिल नामक बेस होता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डबल एस डीएनए पोलियोमा वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए उच्च जीवों में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सामान्यतः पेड़ पौधे के विषाणु टोमेका वायरस में पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरस T2, T4, T6 बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1975 में। आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात सेंट्रल डोमेगा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है? डीएनए से संदेश वाहक आरएनए, एमआरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें सूचना का संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। सर्वप्रथम किसने प्रणाली में डीएनए संश्लेषण किया? कोरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए
के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुरान ने। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? बाबेरी एवं शटन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया? मैक क्लिंटॉफ मक्का में। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण का क्या होता है? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? एस अवस्था। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री विभाजन। जायगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने। मियोसिस टू में किसका पृथक्करण होता है? अर्धगुण सूत्रों का। विनिमय किस अवस्था में होता है? पैचेटिन में। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? प्रथम एनाफेज अवस्था में। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हिस्टोलॉजी ऊतकी में। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलेपेगी को। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है? शीर्षस्थ विभाज्यों तक, जिसको एपिकल मेरिटिजम बोला जाता है, मेरी स्टीम बोला जाता है। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? परसौरीय विभाज्य के लेटर मेरी स्टीम। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से। चलनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? मृदूतक में, पेरेनाकाइया में। संवहन बंडल का उद्गम होता है रंभजन में। कैस्पेरिन पट्टी कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में। परसौरीय मूल लेटरल रूप की उत्पत्ति होती है परिरंभ से। सजीव तंत्रिका ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? स्थूल कौन ऊतक को। सन हेम्प रेस प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह हैं स्थूल कौन ऊतक, दृढ़ो ऊतक एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? दृढ़ कोशाएं स्टोन सेल। जलरंध्र होते हैं जलस्रावित ग्रंथियां। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? स्वपोषी। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? एमओपी अयंगर को। तालाब या जल का रेशम उपमा किसे प्रदान किया गया है? अस्फायरोगायरा नामक शैवाल को। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमेरिया नामक शैवाल, जो भूरी शैवाल होता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल, कवक एवं जीवाणु। थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण, पहला पौधे में भ्रूण नहीं हो बनता, दूसरा इसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? साइजो माइकोफाइटा में। वह पौधा जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सूर्यनेकी के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसीसी गाल्टन। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी। पादप जीवाश्मी
का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? पोलियो बॉटनी। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विषय वस्तु का। ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण जाति वृत्तीय था। जिन पौधे में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं ब्रायोफाइटा वर्ग में। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? साइलोपिडा सब फाइलम को। अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है जेरेडियम नामक शैवाल से, साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है? नीली हरी शैवाल। समुद्री शैवाल की उपमा प्रदान किया गया है अलवा को। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च या मंड। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला शैवाल से। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? शवपोषी। भारतीय आधुनिकी शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? MOP अयंगर को। केंद्रक तथा कोशिका द्रव के आपसी संबंध के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? ऐसी ट्यूबलेरिया नामक शैवाल से। धान के खेत में नीली हरित शैवाल को जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त की गई? 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पौधे एवं जंतु का संयोजक युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है? शैवाल के वर्ग युगलिनिडी में। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गिरोई रोग किसके कारण से होता है? शैवाल के। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला इज 70%। सबसे लंबा आवृत वृक्ष कौन सा माना जाता है? ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस। लंबाई 114 मीटर। सबसे लंबा अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधे कौन सा होता है? सिक्वोया जाइगोटिया, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, 120 मीटर। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा किसे माना जाता है? एजोला को। सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा कौन है? वोल्फिया। संसार में लगभग कितने पौधे प्रजातियां पाई जाती है? 5 लाख। सल्विकल्चर में अध्ययन किया जाता है वनों का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल जिसको BJA सामान्यता रूप से धान के खेतों में पाए जाते हैं। BJA का फुल फॉर्म बताओ। सबसे छोटा क्रोमोजोम गुणसूत्र शैवाल जिसका साइज 0.25 माइक्रोन का होता है। चट्टानों पर उगने वाला शैवाल को लेथोफाइटस कहते हैं। ट्रेकोडियम इरिथ्रियम नामक नीली हरी शैवाल लाल सागर के जल के ऊपर तैरता है जिससे सागर में लाल रंग प्रदान करता है जिसके कारण इसे रेड सी कहते हैं। एस्टेबुलेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है जिसकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है। लार्गेस्ट प्लांट सेल भी है होता है। माइक्रोसिस्टम सबसे बड़ा शैवाल है, इसकी लंबाई 50 मीटर होती है। इसी कारण से दैत्यकार समुद्री घास भी कहते हैं। डायटोमेसियस मृदा डायटम्स की कोशिका भित्ति पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जमा रहता है, अतः जीवित व मृत डायटम तथा उनके जीवाश्म समुद्र की गहराई में जमा होते रहते हैं और गहरी चट्टानों के रूप में होकर डायटोमस मृदा बनाते हैं। यह 1500 सेंटीग्रेड तक का ताप सहन कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग
चीनी मिलों में जीवाणु छत्रों के रूप में, कांच तथा पार्सिलेन के निर्माण में, बॉयलर तथा बाद भट्टी में उष्मरोधी के रूप में, धातु परलेप, वर्निश, पॉलिश तथा टूथपेस्ट के निर्माण के लिए अपघर्षक के रूप में, द्रव नाइट्रोग्लिसरीन के अवशोषक के रूप में, दक्षिणी अमेरिका के वर्षा प्रचुर वनों में वृक्षों पर रहने वाले साथ नामक स्तनधारी की फर पर अधिजंतव सेवाल फैल जाता है, जिससे फर हरे रंग की लगने लगती है। अंतरिक्षयान में लंबी उड़ान के समय केबिन में ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए जिससे यात्री को ऑक्सीजन युक्त भोजन प्राप्त हो सके तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य बेकार पदार्थ बाहर निकल सके। क्लोरेला नामक शैवाल को केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन सभी प्राप्त हो सकते हैं। ये शैवाल शीघ्रता से प्रजनन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के उपरांत शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ये शैवाल मूत्र तथा मल से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनियो वन लियेउनेक हॉक ने। जीवाणुओं के पादप क्यों माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु में लैंगिक जनन का खोज किसने किया था? लेडरबर्ग एवं टॉम टाटम ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के वजह से। भोजन विषाक्तता के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसरिकिया कोली है। निर्मजीकरण इसको स्टरलाइजेशन क्या है? किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया स्टरलाइजेशन कहलाती है। इसके लिए उपकरणों या यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 सेंटीग्रेड ताप पर तथा 15 पौंड दाब पर 15 मिनट रखकर करते हैं। वेब्रियो जीवाणु का आकार कोमा के आकार होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्त अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? मीजोसोम। जीवाणुओं में पराकर्म की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जिंडर एवं लेडरबर्ग ने। प्लाज्मिड होता है जीवाणुओं में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ। नाइट्रीकरण जीवाणु किसमें बदलता है? अमोनिया को नाइट्रेट में।